वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स अकेडमी मैथ्स बाय संजय सर। 68,500 शिक्षक भर्ती का परिणाम जल्द ही जारी होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूज़, ये द हिंदू पेपर से मैंने लिया है। 68,500 शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही मूल शासनादेश के मुताबिक जारी होगा। अब लिखित परीक्षा में सामान्य ओबीसी वर्ग को 45% और एससी एसटी को 40% अंक पर उत्तीर्ण मानते हुए रिजल्ट जारी किया जाएगा। शासनादेश जारी होने के बाद इन पासिंग मार्क्स में संशोधन कर दिया गया था। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के दबाव में मूल शासनादेश में पासिंग मार्क्स में कमी कर दी गई है। सामान्य और ओबीसी वर्ग 33% और एससी एसटी को अब 30% पर ही पास करने के लिए संशोधन किया गया है, लेकिन अब पुराना नियम लागू कर दिया गया है। सामान्य व ओबीसी के अभ्यर्थियों को 150 अंक में से 67 अंक पास होने के लिए ज़रूरी होंगे, वहीं एससी एसटी के लिए 60 अंक लाने के बाद ही पात्र होंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश अनुसार यह आदेश जारी किया गया है। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में हुई थी। पैंतालीस फीसदी नंबर पर उत्तीर्ण माना जाएगा सामान्य। और ओबीसी को और एससी एसटी में 40%। तो इसके अनुसार पहले 33% नंबर लाने होते थे, 33% जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 30%, अब 45% सामान्य के लिए और 40%। एससी एसटी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।